नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टेक्नो डीसी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कि जैसे आपके पास कोई भी हैंडसेट डेड आता है, तो डेड हैंडसेट को हमको किस तरह से उसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। डीसी मशीन से हम क्या समझते हैं कि कोई भी डेड हैंडसेट कितना करंट कंजप्शन लेता है, जिससे कि हमें किस सेक्शन पे। सैमसंग का A10 है जो कि सेट कम्प्लीट डेड है। तो हम इस सेट को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि इसमें फॉल्ट आपका कहाँ से हो सकता है। तो ज्यादातर हमें डेड सेट में दिक्कत आता है, तो डेड सेट में चेक कैसे करते हैं, तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि किसी भी डेड हैंडसेट आने पर हमको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना होता है। दोस्तों, तो यदि आपको भी मोबाइल डेड फोन को रिपेयर करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप हमारा अगले महीने की 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करके भी आप बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। यहाँ पर हमारी सभी क्लास लाइव होती हैं और हमारा जो फीस है वो केवल 15,000 है। 15,000 के कम फीस में आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। यदि आप किसी वजह से नहीं आना चाहते, तो हमने अभी अपना ऑनलाइन क्लास लॉन्च किया है, जिसमें आपको सभी फॉल्ट फाइंडिंग की क्लास उसके अंदर आपको मिल जाएगी, जिसमें आपका 5G डेड सेट भी उसमें इंक्लूड है। उसका जो फीस है वो केवल 6,000 है। 6,000 के कम फीस में भी आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। तो आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो अपनी सीट को बुक करा लें, अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आज हमें हमारे इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 7300666820। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा ये सैमसंग का A10 है जो कि डेड है, डेड हैंडसेट को कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो ये सेट है जो कि कंप्लीट डेड है आपका सेट, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे हम डीसी वाला सप्लाई से लगाते हैं, तो इसमें आपका ऑटो करंट कंजप्शन आपका हो रहा है। तो एक बार हम चेक करेंगे ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं इसका। यहाँ पर ये इसका प्रॉब भी अब लगाते हैं और देखेंगे प्रॉब्लम सेट में क्या है। तो ये है इसका, हमने इसका बैटरी का पता अलग कर दिया है और हम लगाएंगे। और यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और आप डीसी सप्लाई में देख सकते हैं कि इसमें आपका ऑटो करंट है आपका 34 mA करंट ये ले रहा है। आपका 34 mA करंट कंजप्शन कर रहा है ऑटो। यहाँ पर देखो, ओनली हमने डीसी सप्लाई को कनेक्ट किया है, इसका मतलब होगा कि सेट में हमारे में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो ये शॉर्टिंग मेरा किस लाइन से है, तो ये हमको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे बोर्ड को, यहाँ पर आपका कोई पार्ट हीट नहीं हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेरा एक चार्जिंग आईसी है, किसी भाई ने इसकी चार्जिंग आईसी पे काम किया है। देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग आईसी इन्होंने निकाल कर इसकी रिवॉल्व के लगाया हुआ है, क्योंकि तो यहाँ पर आपका पेस्ट लगा हुआ है। अब आगे देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर पेस्ट लगा हुआ है और आप आगे देखेंगे तो बोर्ड जो आपका है, ये बोर्ड आपका फुली। तो हम एक बार बोर्ड चेक कर लेते हैं, यहाँ से मालूम होगा कि हमारे फोन के अंदर शॉर्टिंग तो है। तो हम निकालते हैं एक बार और एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके सभी बेल्ट निकाल देते हैं। ये निकाल दिया हमने और ये हमारे पास बोर्ड है। ये हमारे पास बोर्ड है और हम देखेंगे इसकी कंडीशन। इसकी कंडीशन इस टाइप से ओके है। यहाँ पर भी कंडीशन क्लियर है इसका, ये जाली निकला हुआ है और इसका इस आईसी पे काम किया गया है जो कि इसकी चार्जिंग आईसी आपका ये है। इस आईसी पर काम किया गया है, इस आईसी पे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इस आईसी को निकाला गया है और लगाया गया है। देखते हैं इसके बैक साइड देखते हैं। तो बैक साइड यहाँ पर इसका ये सील लगा हुआ है, यहाँ पर इसका ये सील लगा हुआ जहाँ पर हमारा सीपीयू है वहां पर इसका सील लगा हुआ है। तो हमको देखना होगा कि एक्चुअल जो आपका ये ऑटो करंट ले रहा है 34, वो एक्चुअल कहाँ से प्रॉब्लम है। इसमें जैसे हमने लगाया कोई पार्ट हीट नहीं हुआ, तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना होता है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम रीडिंग चेक करेंगे इसकी, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम। पहले हमारा जो भी बैटरी कनेक्टर है वहाँ का रीडिंग चेक करेंगे, उसके बाद इसकी स्टेप बाय स्टेप लाइन को फॉलो करेंगे।
तो हम पहले रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो मीटर हम सेट कर देते हैं अपना, तो मीटर हमारा सेट है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये ऑटो करंट कंजप्शन है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम रीडिंग चेक कर लेंगे यहाँ पर, जो भी इसकी बी बेट का है। तो यहाँ पर रीडिंग चेक करेंगे, रेड प्रो ग्राउंड किया है, ब्लैक से चेक करेंगे यहाँ पर। ये पॉइंट इसका ग्राउंड का है, आप देख सकते हैं ये ग्राउंड का है, रीडिंग आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ का रीडिंग सही है, मतलब कि आपका बी बेट की लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। इसका मतलब तो ये होगा, बी बेट की लाइन में मेरी शॉर्टिंग नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट टाइम चेक कौन सा करना है, एक बार हम इसे रिवर्स वाइज भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए ब्रेक प्रो ग्राउंड करेंगे और चेक करेंगे यहाँ पर, मतलब कि इसके हिसाब से बताया जा रहा है कि हमारा बी बेट की लाइन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पर ये लाइन क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन हमें चेक कौन सा करना होता है, बीपीएच पावर, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसके बाद जो सेकंड वोल्टेज बनने वाला होता है वो हमारा बनता है बीपीएच पावर। वो कहाँ बनता है, वो हमारा बनता है इस चार्जिंग आईसी के पास। तो यहाँ पर किसी भाई ने इस आईसी पर काम भी किया है, तो हम एक बार देख लेते हैं। तो ये है, ये इसका कॉइल है जहां पर हमको चेक करना है रीडिंग। तो हम इसका भी रीडिंग चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग शायद इसमें हो क्योंकि ऑटो करंट का जो हमारा हो रहा है। तो यहाँ का भी रीडिंग ओके है, मतलब कि लगभग आपका 300 प्लस है, मतलब कि ये रीडिंग को भी हम ओके कहेंगे, ये रीडिंग हमारा ओके है। इसके बाद आप चेंज करते हैं, देखते हैं कि इसमें आपका रिवर्स वाइज में कुछ लीकेज हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका रीडिंग तो ओके आ रहा है, यहाँ पर रीडिंग हमारा यहाँ पर ओके है ये, ठीक है। इसमें आपका रिवर्स वाइस में देखेंगे आप, रिवर्स वाइस के अंदर इसके अंदर आपका ये लो रीडिंग है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमें रिवर्स वाइस पर जो रीडिंग मिलना चाहिए वो हमें कम से कम 1000 से ऊपर मिलना चाहिए। इसके लिए हम एक बार किसी दूसरे बोर्ड को भी चेक कर लेंगे जिससे हमें कन्फर्म हो सके। जैसे हमारे पास ये MI-K8 है, इसको भी देख लेते हैं रिवर्स वाइस में क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि इसका बीपीएच पावर यहाँ पर बनता है, तो हम देखेंगे पहले इसका, यहाँ पर रीडिंग आ रहा है। अब रिवर्स वाइज रीडिंग कितना आता है वो देख लेते हैं। मतलब 1000 प्लस, इसका मतलब हो गया कि जो हमने अभी चेक किया है अपना, जो हमारा A10 है जिसमें शॉर्टिंग है आपका डीसी वाला सप्लाई से चेक किया, तो ये 34 मिली एम्पीयर करंट ले रहा है। तो हमको एक बार देखो, जब हमने इसे चेक किया था इसके कॉइल को, जो हमारी बीपीएच लाइन की लाइन है, तो चेक किया यहाँ का रीडिंग ओके है। प्रॉप चेंज करते हैं एक बार, प्रॉप चेंज करने के बाद देखेंगे आप रिवर्स वाइस इसके अंदर रीडिंग लो आ रहा है, जो कि एक जैसे नीचे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारी शॉर्टिंग है वो इस लाइन से संबंधित है, इस लाइन से ही संबंधित हमारा शॉर्टिंग है। फिर हम आगे देख लेते हैं एक बार, तो आगे हमारी पावर आईसी है। तो इसके बाद हमारे आउटपुट होते हैं पावर आईसी के पास, तुम पावर आईसी देख लेते हैं। पावर आईसी के पास कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, तो यहां पर देख लेंगे पहले कॉइल देखेंगे सबरे, इस कॉइल का रीडिंग ओके आ रहा है आपका, इस कॉइल का भी रीडिंग लगभग ओके है, इस कॉइल का भी रीडिंग ओके है, मतलब कि यहां भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। और इस कॉइल का भी रीडिंग हमारा ओके है, यहां पर देखेंगे इस कॉइल का भी रीडिंग हमारा ओके है, और हमारा यहाँ देखेंगे तो इस कॉइल का भी रीडिंग हमारा ओके है, यहाँ भी रीडिंग ओके ओके माना जाएगा, ये भी रीडिंग हमारा ओके है। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी रीडिंग हमारा ओके, मतलब कि हमारा फोन में जितना भी कॉइल है, जितना भी बक कॉइल है, उन सभी का रीडिंग ओके आ रहा है। इसके बाद हमको चेक करना होगा इसके आसपास बनने वाले एलडीएस वोल्टेज की आउटपुट लाइनों को, तो वो भी देख लेते हैं हम।
ये भी ओके है आपका, यहाँ भी सही है। मतलब कि जब हमने इस सेट में कंप्लीट चेक किया है कि इसके अंदर आपका जो शॉर्टिंग है ना, तो इसकी चार्जिंग आईसी में शॉर्टिंग मिला हमको, क्योंकि वहाँ का रीडिंग हमने चेक किया था, वहाँ भी रीडिंग ओके आ रहा है। इसके बाद चेक किया हमने, यहाँ भी आपका कोई भी शॉर्ट नहीं है, यहाँ पर भी आपका कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, पर डीसी मशीन से लगाने पर हमारा ऑटो करंट कंसम्पशन हमारा हो रहा है। इसका मतलब शॉर्टिंग तो सेट में है, इसलिए सेट हमारा बंद है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे एक बार, तो हम डायग्राम में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो शॉर्टिंग है वो हमारा कहीं ना कहीं बीपीएच पावर लाइन से संबंधित है, क्योंकि हमने देखा था इसके रिवर्स बायस में जो रीडिंग है वो हमारा एक ऐसे नीचे आ रहा है। देखो यहाँ देखेंगे ये रीडिंग ओके है, तो प्रॉप चेंज करते हैं, ब्लैक पर ग्राउंड करते हैं और आप चेक करेंगे रेड से, तो यहाँ पर जो भी रीडिंग आपका 1000 से नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इससे संबंधित है, मतलब बीपीएच पावर से ही शॉर्टिंग है सेट के अंदर। पर ये कहां से है एक बार देखते हैं कि हमारे फोन में जो बीपीएच पावर है उसका वोल्टेज कितना बन रहा है। तो हम इसके बाद एक बार लगाते हैं इसमें चार्जर और ये चेक कर लेंगे कि अगर हमारा वोल्टेज बना तो मेरा बीपीएच पावर का लाइन में क्लियर है आपका। तो यहां पर मैं लगाता हूं, ये लगा दिया। हम लोग जानते हैं कि जितना बैटरी में करंट होगा ऑटोमेटिक उतना वोल्टेज यहां मिल जाता है, तो एक बार हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे पहले। मान लो कि यहाँ पर बैटरी लगा दिया हमने, अब हम सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें ना तो पावर आईसी के पास कोई शॉर्टिंग मिला है, ना उसके एलडीओ लाइन में कोई शॉर्टिंग है। जब हमने देखा तो इसमें ऑटो करंट कंजेशन तो है आपका, बीपीएच की लाइन भी क्लियर है, बीपीएच पावर की लाइन का रीडिंग तो ओके है, पर रिवर्स वाइज में रीडिंग लो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहां से हो सकता है। तो एक बार हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, अगर हमको जो हमारी बीपीएच लाइन की ये लाइन है इस पर हमको रीडिंग प्रॉपर मिलता है, मतलब वोल्टेज प्रॉपर मिल जाता है, तो हम समझेंगे कि ये लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। तो हम एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो बैटरी लगाया हुआ है हमारा, पहले बैटरी में कितना करंट है, बैटरी में जो अभी वोल्टेज है आपका 3.6 है, लगभग 3.7 के करीब वोल्टेज है। इसका मतलब कि सेट हमारा इतनी बैटरी से चालू हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, देखो यहां पर जो वोल्टेज वो आधा वोल्टेज है, देखेंगे आप यहां पर है जो कि आधा वोल्टेज है। देखो ये माइनर शॉर्टिंग है, मतलब कि ये शॉर्टिंग है इसी लाइन से, क्योंकि जब हमने इसका रिवर्स वाइज रीडिंग लिया था तो रीडिंग आपने देखा रिवर्स वाइज रीडिंग में दोनों साइड से, जैसे हम लोग जानते हैं एक साइड से रीडिंग हमको आना चाहिए 300 प्लस, बदलने पर रीडिंग हमको 1000 से प्लस मिलना चाहिए, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों साइड ही आपका 1000 से नीचे रीडिंग मिल रहा है। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं शॉर्टिंग इसी लाइन से संबंधित है, या तो डायरेक्ट शॉर्टिंग नहीं है इसमें, इनडायरेक्टली इसके अंदर शॉर्टिंग है। अब ये कंफर्म करने के लिए हमने वोल्टेज चेक कर लिया, वोल्टेज हमने इसलिए चेक किया क्योंकि हमारा कंफ्यूजन दूर हो सके कि एक्चुअल इस लाइन में शॉर्टिंग है कि नहीं। अगर शॉर्टिंग इस लाइन में नहीं होता तो हमारा जितना बैटरी में वोल्टेज होता है प्रॉपर वोल्टेज आपको बीपीएच पावर की कॉइल पे मिल जाता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ओनली हमें आधा वोल्टेज मिल रहा है, आधा वोल्टेज जो कि बहुत ज्यादा ही कम वोल्टेज है। अब हमको शॉर्टिंग देखना है कि शॉर्टिंग एक्चुअल किस लाइन में है और कहाँ से है। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी जो आईसी है इस आईसी को उन्होंने निकाल के लगाया हुआ है, तो हम एक बार फिर इस आईसी को निकाल के देखेंगे कि शॉर्टिंग हमारा है कि नहीं। तो पहले हम एक बार इस कॉइल को निकाल लेते हैं, देखते हैं कि इसके किस साइड का रीडिंग ठीक होता है। तो पहले हम इसका कॉइल निकालेंगे, हाँ।
तो यहाँ पर हमने इसकी कॉइल निकाल लिया है, ठीक है, ये इसका कॉइल है। थोड़ा गिलू को साफ कर लेते हैं। अब देखो हमने कॉइल इसलिए निकाला है क्योंकि हमें जानना है कि शॉर्टिंग किस साइड है। अब हम एक बार फिर रीडिंग लेंगे इसके दोनों पॉइंट का, क्योंकि ऐसे केस में क्या है, कोई पार्ट्स आपका हीट नहीं होता है और आपका सेट में इस तरह से ऑटो करंट कंडीशन होता है। तो हम एक बार इसका रीडिंग ले लेते हैं। तो सेम करेंगे, पहले रेड ब्रॉप ग्राउंड करेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे इस साइड। यहाँ का रीडिंग आपका 300 है, ठीक है, एक बार प्रॉप चेंज करके भी देखेंगे और यहाँ चेक करेंगे। यहाँ पर यहाँ का रीडिंग भी लगभग ठीक है। अब हम एक बार प्रॉप चेंज करेंगे, प्रॉप चेंज करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका कोई रीडिंग नहीं है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर शॉर्टिंग आपका नहीं है, मतलब इस पॉइंट से संबंधित शॉर्टिंग हमारा नहीं है। एक बार यहाँ चेक करेंगे, देखेंगे आपका इस साइड शॉर्टिंग है, मतलब इस पॉइंट पर शॉर्टिंग है। और हमको देखना होगा डायग्राम से एक्चुअली ये पॉइंट हमारा किस किस सेक्शन को लिए जाता है। उसके बाद हम इस पॉइंट पर कुछ वोल्टेज देकर चेक करेंगे कि हमारा कोई पार्ट शीट होता है कि नहीं। तो जैसे हमने यहाँ का कॉइल निकाला है, अब हमको इस कॉइल पर हम डीसी मशीन से कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं ये लाइन हमारा बीपीएच पावर का होता है, तो हम यहाँ पर 4 वोल्टेज और 5 एम्पियर इंजेक्ट करेंगे। इससे क्या है, हमको मालूम हो सके कि इसमें इसका जो लीकेज है वो निकल सके, किसी आईसी से शॉर्टिंग है या किसी कैपेसिटर से। तो यहाँ पर हमने वही वोल्टेज देते हैं, 4 वोल्टेज और 5 एम्पियर हमारा इसके अगली साइड की जो इस पॉइंट पर हमको रिवर्स बायस रीडिंग आ रहा था। तो यहाँ वोल्टेज देंगे, एक बार डीसी मशीन को ऑन कर देते हैं। तो डीसी मशीन हमने ऑन कर दिया, अब इसके अंदर 5 एम्पीयर करंट इस वायर के थ्रू आ रहा है। तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पर दिया है तो मतलब यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कोई ऑटो करंट नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमने दिया है, तो देखो आपके सामने है कि यहाँ पर 30 मिली एम्पीयर करंट ऑटो कंजप्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि शॉर्टिंग तो इसी लाइन से है। थोड़ा वेट करते हैं कि देखेंगे कि हमारा यहाँ पर कोई पार्ट्स हीट होता है कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा माइनस शॉर्टिंग है। इस प्रकार की शॉर्टिंग कहाँ से आती है, अभी भी सेम कंडीशन है। देखो इस साइड हमारा शॉर्टिंग नहीं था, जैसे हमने चेक किया था रिवर्स बायस, यहाँ पर हमको इसका मतलब है कि ये चार्जिंग आईसी हमारी सही है, चार्जिंग आईसी हमारी सही है, क्योंकि यहाँ पर हमें आधा वोल्टेज आउटपुट पे मिल रहा था। अब इस प्रकार की शॉर्टिंग कहाँ हो सकती है, तो इस प्रकार की शॉर्टिंग होती है कि ये लाइन जिस जिस आईसीओ के अंदर जाता है, जैसे आपका लाइट आईसी हो गया आपका, और आपका सेंसर हो गया, एलडीओस हो गए आपके, और आपका हो गया रिंगर आईसी, उन आईसीओ के अंदर ये वोल्टेज आता है, उसके बाद उनसे होने वाले किसी ना किसी आउटपुट लाइन में शॉर्टिंग है, किसी ना किसी आउटपुट लाइन में शॉर्टिंग है। जैसे मान लो कि हमारा लाइट सेक्शन में हम उसे देते हैं बीपीएच पावर, और उसका आउटपुट हमें कहाँ मिलता है, उसके एनोड पॉइंट पर, एनोड पर जो हमारा एनोड पॉइंट है, लाइट का लॉस पॉइंट, वहां पर हमको मिलता है उसका आउटपुट। तो इस अगर एनोड की लाइन में शॉर्टिंग होगी, तब हमको इस प्रकार से रिवर्स बायस में रीडिंग लो आता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी ना किसी आईसी के आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारा बीपीएच पावर का जो मेन लाइन है वो भी इफेक्ट हो गया है शॉर्टिंग की वजह से। तो पहले हम डायग्राम से देखेंगे ये लाइन एक्चुअल किस किस जगह जाता है। हम लोग जानते हैं ये हमने इसका बिड में ओपन किया है और हमने क्लिक किया है इसके उसी लाइन पर जो हमारा बीपीएच पावर का लाइन है। तो यहां से लाइन आउटपुट हुआ हमारा, यहीं पर लीकेज है 30 मिली करंट का है। तो देखेंगे ये लाइन हमारा पावर आईसी में जाता है, हमारा 2G आईसी के अंदर भी जाता है। इसके अलावा हम पावर आईसी के सभी कैप को चेक कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर ये रिंगर आईसी है, उसमें भी रिंगर आईसी को भी स्विचिंग कराने के लिए जाता है। इसके अलावा लाइट और ग्राफिक के लिए बनने वाला वोल्टेज जो हमारा लाइट आईसी से बनता है, उसके लिए भी आपका ये वोल्टेज जाता है। तो ऐसा हो सकता है ना किसी आईसी के आउटपुट में शॉर्टिंग होने पर
हमारे फोन में इस तरह से शॉर्टिंग होता है, ये माइनस शॉर्टिंग है। देखो यहाँ पर कुछ एलडीओस है, यहाँ भी आपका अगर एलडीओस के किसी आउटपुट, जैसे देखो एलडीओ का आउटपुट है, अगर एलडीओ के आउटपुट में शॉर्टिंग होगा तब हमको इस तरह से लीकेज मिलता है बीच पावर पर। तो इसका मतलब है कि शॉर्टिंग हमारा कहीं ना कहीं इस आईसी के इस वोल्टेज के बाद बनने वाले आउटपुट में शॉर्टिंग है। तो यहाँ एलडीओस को चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमारी लाइट आईसी है उसको भी चेक करेंगे, ठीक है, इसके आउटपुट चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिंगर आईसी है, रिंगर आईसी से आउटपुट हमारा होता है, उनका भी रीडिंग चेक करेंगे, इनका रीडिंग कितना आता है। जैसे हम लोग जानते हैं आउटपुट कितना होता है, रीडिंग आउटपुट में हम लोग जानते हैं रिंगर आईसी से आउटपुट इसका होता है 300 से 500 प्लस रीडिंग मिलता है हमको, पर रिवर्स बायस रीडिंग हमको 1000 से ऊपर मिलना चाहिए, क्योंकि डायोड का रूल से ये कहता है एक साइड रीडिंग आपको मिलना चाहिए 300 प्लस और प्रॉप चेंज करने पर 1000 प्लस मिलना चाहिए या तो नो रीडिंग। तो ये इसकी आउटपुट लाइन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो लाइन है हमारी बहुत जगह के लिए जाती है, तो हमको एक एक करके हर आईसी के आउटपुट को चेक करना होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, सबसे पहले हम मीटर सेट कर लेते हैं, मीटर हमारा सेट हो गया है डायोड मोड पर, और हमको सबसे पहले चेक करना होगा इसकी एलडीओस वोल्टेज, ये लाइन जहां भी एलडीओस के लिए गई है उनको चेक करेंगे। तो बैक साइड में इसके यहाँ पर लगी हुई एलडीओ, तो इन एलडीओ को चेक करेंगे, दोनों का रीडिंग लेंगे रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज भी। तो देखेंगे यहाँ पर इसका रीडिंग ठीक है, ये रीडिंग भी ठीक है। अब हम प्रॉप को चेंज करके रीडिंग ले लेंगे, देखो यहाँ पर रीडिंग से मतलब कि इसके आउटपुट में शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अब हम रिवर्स वाइज इसका भी रीडिंग लेंगे, मतलब कि यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है, मतलब कि एलडीओस में शॉर्टिंग है। ये तो हमारा वही लाइन है जिसमें हमको लीकेज मिल रहा है, तो हम प्रॉप चेंज करेंगे। देखो ये तो वही लाइन है जिसमें लीकेज मिल रहा है, इसमें आपका लीकेज हमको 700 तक का रीडिंग आ रहा है, तो मतलब है अब हमको लाइट आईसी को देखना होगा, पर लाइट आईसी का जाली लगा हुआ है तो हम इसे अभी नहीं देखेंगे, पहले हम रिंगर आईसी को चेक कर लेते हैं, उसके बाद नेटवर्क को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया खुला हुआ है हमारा। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा आउटपुट, क्योंकि मैंने बताया था कि ये किसी न किसी आईसी के आउटपुट लाइन में शॉर्टिंग है। जैसे रिंगर की आउटपुट हमारी क्या होती है, रिंगर के दो पॉइंट होते हैं प्लस और माइनस, तो यहाँ चेक करेंगे लेफ्ट राइट, तो यहाँ पर रीडिंग ओके 600 आ रहा है, ठीक है, यहाँ का भी रीडिंग 600 आ रहा है, मतलब कि रीडिंग ठीक है। अब हम प्रॉप को चेंज करके चेक करेंगे, हमको रीडिंग एक बार देखते हैं रीडिंग, ये रीडिंग हमारा सही है 600 आ रहा है, ये इसकी आउटपुट लाइन है, ये ठीक है। अब हम मीटर को मीटर के प्रॉप चेंज करेंगे, अब हमको रीडिंग जो मिलना चाहिए वो 1000 प्लस मिलना चाहिए, देखो यहाँ पर रीडिंग 700 आ रहा है, यहाँ पर रीडिंग 700 आ रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि हमारा रिवर्स बायस जो रीडिंग हमको मिलता है मीटर की प्रॉप चेंज करने पर हमको 1000 से प्लस मिलना चाहिए। अब देखो वो रीडिंग, देखो यहाँ भी सेम टू सेम रिवर्स बायस रीडिंग 700 है और हमारा रिंगर के आउटपुट लाइन में भी रीडिंग लगभग यही है, देखेंगे आप, देखो लगभग उतना ही रीडिंग है। तो इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं रिंगर आईसी से संबंधित हमारा ये फॉल्ट है। यहाँ चेक करेंगे, यहाँ का रीडिंग ओके है, ये भी ओके है, इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं या तो मेरा रिंगर आईसी खराब है या तो रिंगर आईसी में जितने भी कंपोनेंट काम करते हैं उसमें से कोई ना कोई कंपोनेंट लीकेज हो गया है। क्योंकि ऐसा हमने इसलिए समझाया है क्योंकि हम जब हमने रिवर्स वाइज चेक किया है, जैसे देखो डायग्राम में बताया गया कि ये रिंगर आईसी के आउटपुट पॉइंट है, ये आउटपुट पॉइंट है आपके, तो यहाँ पर आउटपुट पॉइंट हमने देखा है तो इनको मिलता है सबसे पहले व्यूज पावर, ये आपका कॉइल है जहां पर स्विचिंग होता है, मतलब कि रिंगर के लिए हाई वोल्टेज बनाया जाता है, तो ये आपका स्विचिंग के लिए है। इसके अलावा ये इसकी आउटपुट लाइन है, इसे आप कह सकते हैं कि लेफ्ट राइट आपके ये दोनों पॉइंट है हमारे रिंगर के, और इनको बूस्ट करने के लिए कुछ कैपेसिटर बाहर लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर लगे हैं जहाँ पर हमारा एक बूस्ट वोल्टेज मिलता है हमको, यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर लगाए गए जो कि उसको फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम के अंदर से, तो ये हमारा रिंगर आईसी है,
और इसको हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट मार देंगे, एक बार चेक करेंगे। तो ये हमारा रिंगर आईसी आ गया। तो अब देखेंगे रिंगर आईसी हमारा ये है, और ये दोनों इसके आउटपुट पॉइंट हैं जो कि आप लिखा हुआ है रिंगर का पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पर देखेंगे इसको, इस पे हमने रिंगर आईसी को इसीलिए चूज किया है क्योंकि इसके रिवर्स वाइज आउटपुट में रीडिंग लो आ रहा है, जबकि हमको रीडिंग लो नहीं आना चाहिए। देखेंगे यहाँ पर आपकी कैप लगा है जहाँ पर हमारा वोल्टेज बूस्ट होता है, तो ये दोनों कैपेसिटर हमारे वही हैं। तो हमको यहाँ पर इन दोनों कैपेसिटर को निकाल के चेक करना होगा कि कहीं इनमें लीकेज तो नहीं है, क्योंकि हमारा इन्हीं पर बूस्ट बन रहा है, या तो फिर हमारा रिंगर आईसी खराब हो गया। दो में से यही ऑप्शन है, क्योंकि रिंगर आईसी से इस लाइनों का आउटपुट हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी लाइन का रीडिंग हमारा कोई भी आईसी बनाता है। तो पहले हम एक बार कैपेसिटर चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद तो फिर हमें आईसी निकालना ही होगा, क्योंकि इसमें बूस्ट कैपेसिटर बनता है तो इसकी वजह से भी लीकेज हो सकता है हमारी लाइन में। अभी हम क्यों निकाल रहे हैं, देखो ये हमारा आउटपुट लाइन है स्पीकर का, और इसकी प्रॉप चेंज करने पर हमको रीडिंग लो आ रहा है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। रीडिंग हमारा 1000 प्लस ही आता है। जब डायोड का रूल्स जहां भी यूज करते हैं तो डायोड का रूल्स क्या कहता है, एक साइड हमको रीडिंग आना चाहिए 300 प्लस, और सेकंड साइड प्रॉप चेंज करने पर रीडिंग हमको नो रीडिंग या रीडिंग आता है तो 1000 प्लस आना चाहिए, तो ये लो है। तो हम यहाँ पर इनके दोनों कैप को निकाल लेंगे, ये दोनों कैप पर हमारा बूस्ट बनता है इसीलिए। बाकी हमने सभी कैपेसिटर चेक कर लिए, सभी ठीक है आपके। अब इसके बाद भी अगर फॉल्ट रिपेयर नहीं होता है तो फिर हमको रिंगर आईसी को चेंज करना ही पड़ेगा। इसके बाद हमको रिंगर आईसी को चेंज करना पड़ेगा। तो हम एक बार रीडिंग लेंगे। अब इसके बाद रीडिंग हमारा यहाँ पर लगभग 400 का थोड़ा सा शायद बोर्ड हीट है। अब रिवर्स वाइज चेक करेंगे हमको 1000 प्लस मिल रहा है कि नहीं। देख सकते हैं कि यहाँ पर रीडिंग में कुछ चेंजेस आ गया है, जैसे हमने कैप निकाला है तो इसकी रीडिंग में कुछ चेंजेस आया हुआ है आउटपुट की रीडिंग में। अब ये लगभग अभी बोर्ड हीट है इसीलिए हमारा 900 प्लस रीडिंग चला गया। इसका मतलब हो गया कि इन्हीं दो कैप में से कोई ना कोई एक शॉर्ट है हमारा। फिर चेक करते हैं एक बार रिवर्स वाइज रीडिंग हमारा 1000 प्लस गया है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहां पर ये लगभग रीडिंग अभी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कि ये कर रहा ये रीडिंग आपका 1000 प्लस हो जाएगा। देख सकते हैं जो रीडिंग पहले 700 तक था वही रीडिंग अब हमारा 1000 तक जा रहा है। अब एक बार हम कैप को चेक कर लेंगे, कोई इन दोनों में से कोई ना कोई कैप एक लीकेज है, क्योंकि इन्हें निकालने के बाद हमारा रीडिंग में डिफरेंट आ गया। अभी हमको ब्यूट पावर की लाइन का रीडिंग चेक करेंगे जो रिवर्स वाइज पे, ये हमारा लीकेज नहीं है, देख सकते हैं इस कैपेसिटर में लीकेज है 300 का। देखो इस ये जो कैपेसिटर है वो उस कैपेसिटर में देखो हमारा 300 का लीकेज है। देखो जितना इसमें लीकेज है उसने उतना ही हमारा जितना भी 1000 प्लस की रीडिंग में से उतना रीडिंग घटा दिया था उसने। देखो यहाँ पर इसका 400 का रीडिंग का लीकेज है, तो जैसे मान लो कि उस लाइन का रीडिंग हमारा 1000 था तो इसने 400 रीडिंग को घटा दिया, इसीलिए हमको वहाँ रिवर्स बायस में 600-700 रीडिंग मिल रहा था। एक बार चेक करेंगे, अभी बोर्ड ठंडा हो चुका है, ये तो क्लियर है, ये तो रीडिंग हमारा 600 आ रहा है, ये तो हमारा पहले भी आ रहा था। और रिवर्स बायस चेक करेंगे, क्योंकि हमारे जितनी भी आईसी हैं उनमें ट्रांजिस्टर, ठीक है, आपका मॉस्फेट से आईसी बनती है। तो देख सकते हैं रीडिंग हमारा 1000 हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये कैप ही लीकेज हो गया था, जो हमारा बूस्ट जहां पर स्टोर होता है बूस्ट वोल्टेज वो कैप ही हमारा लीकेज हो गया है। इसीलिए इसमें जो लीकेज कितना है 300 रीडिंग का लीकेज है, इसीलिए इसने हमारा 1000 में से 300 रीडिंग को माइनस कर दिया था और हमको यहाँ पर 700 रीडिंग मिल रहा था। इसीलिए यहां पर हमको 700 ही रीडिंग मिल रहा था। अब हम क्या करेंगे, एक बार जो हमारा कैप ठीक है उसको लगाएंगे। तो आपने देखा शॉर्टिंग हमारा किस तरह से फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। अभी लीकेज तो पता हो गया, अभी हमको एक बार बीपीएच का भी लाइन का रीडिंग चेक करना होगा कि रीडिंग अभी इसका ओके हुआ है कि नहीं उस लाइन। तो हम इस तरह से लीकेज को निकाल दें, जैसे आपकी लीकेज एक की लीकेज है या किसी में दो की लीकेज है, किसी में तीन की लीकेज है, तो हम एक बार आप इसका रीडिंग ले लेंगे। ये रीडिंग तो हमारा ठीक है, लगभग 300 आ रहा है,
रिवर्स बायस रीडिंग हमको आना चाहिए 1000+, जो पहले नहीं आ रहा था। देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग हमारा, देखो 3000 होकर 0 हो गया, मतलब कि ये ठीक हो गया, ये हमारा ओके हो गया, दोनों ही लाइन ओके होगी। अब लाइन परफेक्ट है, यहाँ पर हमारा प्रॉप चेंज करने के बाद भी एकदम क्लियर है। यहाँ पर हमारा रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस जो भी रीडिंग आता है वो क्लियर हो गया है, मतलब कि हमारा रिंगर सेक्शन के आउटपुट से मालूम हो गया हमको। जैसे मैंने बताया था आपको, किसी भी आईसी के आउटपुट में लीकेज होने पर इस तरह से आपके फोन प्रॉब्लम आएगा, और ऐसे केस में कोई पार्ट शीट में नहीं होता है। तो हम एक बार जो भी इसकी कॉइल है उसको लगाएंगे और चेक करेंगे कि अब हमारा शॉर्टिंग तो खत्म हो गया है, एक बार सेट हमारा चालू होता है कि नहीं। तो हमने देखा, तो इस तरह से अगर आपको भी नॉलेज है जीआर का तो उससे आप बहुत तक बहुत बेस्ट काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये शॉर्टिंग निकालने का बहुत अच्छा मेथड है, आप इस मेथड से शॉर्टिंग को बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर लगा देंगे, अब वही कॉइल है, तो थोड़ा सा पीवीडी लिया है, जिससे क्या है कॉइल हमारी जल्दी लग जाएगी, और जो कॉइल में हमारा ग्लू लगा हुआ है उसको भी थोड़ा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये ग्लू है उसको थोड़ा कट कर लेते हैं हम। अब हम इस कॉइल को लगा देंगे, रीडिंग हमारा ओके हो गया। एक बार वोल्टेज भी चेक करेंगे, जो हमने पहले वोल्टेज चेक किया था यहाँ पर हमको आधा वोल्टेज मिल रहा था, एक बार देखेंगे कि वोल्टेज हमारा जितना बैटरी में वोल्टेज है उतना वोल्टेज अभी भी हमको मिलता है कि नहीं। जब तक हमारा ये विभिन्न लाइन क्लियर नहीं होगा तो हमारा सेट आगे पावर नहीं डिलीवर होगा, तो सेट हमारा चालू नहीं होगा, फोन हमारा चालू नहीं होगा। तो एक बार हम थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा अभी बैटरी में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारा बीपीएच पावर कॉइल पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो हम एक बार लगाएंगे बैटरी, तो बैटरी में लगा देते हैं, वोल्टेज पे मीटर सेट है हमारा, और हम एक बार चेक करेंगे अभी वोल्टेज, जब पहले हमारा आधा वोल्टेज आ रहा था, यहाँ पर 3.6 बैटरी चार्ज है, और यहाँ देखेंगे वोल्टेज, देख सकते हैं वोल्टेज हमारा 3.6 हो गया, मतलब कि इस लाइन का लीकेज निकल गया। लीकेज कहाँ से था? रिंगर आईसी के आउटपुट से हमने पता कर लिया कि लीकेज या तो रिंगर आईसी है या तो इसके बाद लगने वाले कोई ना कोई बूस्ट कैप जहाँ पर वोल्टेज स्टोर किया जाता है हमारे, जब हमारा रिंगर काम करता है उस टाइम वहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, तो ये उस लिए लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। अब हम एक बार सेट को चालू करते हैं, तो मैं यहाँ पर पावर की प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि सेट मेरा चालू हुआ है कि नहीं। और यहाँ पर नीचे देखते हैं एक बार, यहाँ पर देख सकते हैं कि सैमसंग का लोगो आ गया है। देखो सैमसंग आपका A10, सैमसंग का A10 है जो कि सेट चालू हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी समझ के काम कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको डीप नॉलेज मिलता है किसी भी लाइन को ट्रेस कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के लिए, जब तक के लिए नमस्कार।